मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन AIMIM पार्टी द्वारा देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पीड़ित परिवारों को शासन की ओर से 1 करोड़ मुआवजा राशि देने और साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की और इसके साथ ही मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे मुस्लिम और दलितों के लिए कड़े कानून बनाने की मांग भी की है। बुरहानपुर से संवाददाता नौशाद नूर की रिपोर्ट। आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, तो इसलिए किया गया जो हिंदुस्तान भर में जो मॉब लिंचिंग की वारदातें जो पेश आ रही है, जैसे कि झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा गया, इसके पहले पहलू खान को और भी कई लोगों को, दलित आदिवासी जो लोगों को जो मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग के जरिए से, आज उन लोगों के विरोध में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। और हमने इस बात की मांग की है कि जो लोगों जो परिवार के जो लोग मारे गए उनके परिवारों को शासकीय नौकरी दी जाए और सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपये का उनको मुआवजा दिए जाए। और इसकी हमने मांग की है कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम किया जाए जल्द से जल्द और उन पर कड़ी से कड़ी कानून की सजा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा दी जाए और फांसी की सजा हो दोषियों को, हमने मांग की है। तो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।